हमारे परचम की बेहद भी किसने की और ये प्यारी सी मीठी सी चाय मुझे किसने पिलाई और कैसे पिलाई। आपको याद होगा मैं पिछले व्लॉग में अपनी भांजी के लिए बुके लेने गया था, वो बुके भी ले आया हूँ और कॉपियां भी पड़ी हुई हैं। तो इनका मैं करना है भाई क्या, वो आपको दिखाता हूँ क्या करना है। मैं इनका चढ़ाना है कवर, एक आधा घंटा लगा के मैं कॉपी का कवर चढ़ा लेता हूँ और एक आधा घंटा लगा के मैं बुक्स का वो व्हाइट कवर होता है वो चढ़ा देता हूँ। कवर चढ़ाने के बाद घर वालों को कहता हूँ भाई कुछ आप खाने को भी दे दो, काम तो मैंने कर दिया। तो घर वाले मुझे ये चावल ला के देते हैं और चावल खाता हूँ, आपको पता है मजा तो बड़ा ही आया मुझे। और इसके बाद एक आधा घंटा रेस्ट करता हूँ, फिर असर की अजान हो जाती, नमाज अदा करने के बाद चला जाता हूँ इस ग्राउंड में थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए। और मौसम बड़ा टाइट हो रहा होता है मानसून वाला और मैं जा रहा था इस प्लेइंग एरिया से ऊपर की तरफ बैठने के लिए ताकि प्लेइंग एरिया में मुझे कुछ शॉट वोट ना लगे, बॉल बॉल ना लगे। तो रास्ते में झंडा दिखता जो हवा में जमीन पे ही घूम रहा होता है, तो झंडे प्यारे से झंडे को मैं उठाता हूँ और सोचता हूँ ये पाकिस्तानी को हो क्या गया और अपने झंडे की लोग क्यों बेअदबी कर रहे हैं। मतलब यार आपने 14 अगस्त मना लिया, अब झंडे का ख्याल भी रखा, आप साइड पर रख लो घर पे। तो मैं तो देख के पहले इसको एक जगह साइड पर रखता हूँ झंडे को, फिर 50-40 कदम चढ़ के ऊंचाई पे जाके बैठ जाता हूँ। और जैसे ही मैं प्लेइंग एरिया से ऊपर आके बैठता हूँ, आपको पीछे मेरा ग्राउंड भी दिख रहा होगा, यहाँ मानसून बारिश स्टार्ट हो जाती है और मेरे पास वाटरप्रूफ मोबाइल है नहीं, मतलब आईफोन नहीं है, ये एंड्रॉइड है। तो इसलिए मैं निकल जाता हूँ यहाँ से और पहुंच जाता हूँ भाई कटी पहाड़ी मौसम के पास। बारिश भी अभी यहाँ नहीं हो रही होती, मौसम खत्म हो चुकी होती है और मौसम यहाँ बैठा होता, मैं भी इसके साथ बैठ जाता हूँ। तो थोड़ी देर बाद मौसम का यहाँ पे मेहमान आया होता, वो कहता है यार उसको भी चाय पिला रहा, मुझसे पूछ रहा था तू चाय पिएगा, मैंने कहा यार पिला दे मुफ्ते की चाय तो वैसे ही अच्छी होती है। और आपको पता है मौसम मानसून वाला हो और चाय मुफ्ते की हो मजा तो ज्यादा आता है। फिर यहीं पे व्लॉग भी खत्म करते हैं और मानसून कैसे चल रहा है आपकी तरफ बताइएगा।